आज हमारा बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे सनमर्ग के सारे होटलियर, सारा व्यापार मंडल, सारा जितने भी स्टेक होल्डर्स है, यहाँ के घोड़े वाले हैं, स्लैश वाले हैं, ये सोमो वाले हैं, वो सारे यहाँ आए हैं इसलिए कि हम सनमर्ग को किस तरह खुला रखें। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुबारकबाद दे रहा हूँ इस बात का, जो उसका ख्वाब है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का ख्वाब है कि सनमर्ग इस साल हमारी खुली रहनी चाहिए। इस सिलसिले में हम सारे यहाँ जमा हुए हैं इसी वास्ते, क्या क्या हमें एज ए स्टेक होल्डर क्या क्या इंतज़ाम होने चाहिए। हमारे होटलों में सेंट्रल हीटिंग होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, कस्टमरों को हम किस तरह वेलकम करें, किस तरह हम वो आए ठीक ठाक और उनको यहाँ अच्छा खुशगवार माहौल मिले, तो उस सिलसिले में हम यहाँ बैठे हैं। ये भी हकीकत है, पूरा यहाँ नया फर्स्ट ईयर है, हमें भी एज ए बिजनेसमैन पता है फर्स्ट टाइम सनमर्ग डेस्टिनेशन सारे विंटर में खुला रखने के लिए बड़ी जरूरत की ज़रूरत है। ये हमें नहीं पता है हमें कितना मार्केट आएगा नहीं आएगा, मगर हमारी कोशिश है, दुनिया उम्मीदों पर जिंदा है, कोशिशों पर जिंदा है। तो उस सिलसिले में हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, रिजनल कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, या हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको हमारे साथ 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 शाना बशाना वो रहे तो ये कामयाब हो सकता है। इसमें हमारे जो मसले हैं, सबसे पहले आपको पता है यहाँ -10 तक जाता है, 6 फुट बर्फ पड़ता है, उस वक्त हमें गवर्नमेंट को यहाँ बिजली सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए जनरेटर्स वगैरह दीज आर सपोर्टिंग फॉर आवर 2 आवर्स, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ह्यूमन हमारे जो 5,000 मुलाजिम यहाँ होटलों में रहेंगे, व्यापार मंडल में कितने लोग, सोमो वाले बाकी वाले हज़ारों में हैं, ह्यूमन है, उसके लिए यहाँ हर एक फैसिलिटी होने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले ही बिजली कहा, ये पानी कहा, और सबसे पहले ज़रूरी है कनेक्टिविटी। मैं मुबारक देता हूँ गवर्नमेंट को, डिविजन कमिश्नर को, वो कुछ महीने पहले आया था इधर, 1 महीना पहले, और हमारे सारे स्टेक हमारे प्रेसिडेंट से भी मिला था, उसने उस वक्त ये बता दे दिया 15 नवंबर को हम ये ट्यूब खोल रहे हैं, हम उसको मुबारक दे रहे हैं, उस दिन वो खोले ट्यूब को, उसी से ये कामयाब रहेगा, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ गगनगिरी में वो बर्फ वर्फ हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये हमें करना ही करना है, और वो भी लगे हैं, हमें भी पूरी उम्मीद है और हमें पूरा पता है एलजी साहब इस वक्त सिन्हा साहब कितनी सीरियस है, एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सीरियस है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे खुद बुलाया, कहा मुश्ताक साहब आप क्या कह रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैंने उसको ये कहा आप एडमिनिस्ट्रेशन, कहा आई एम द एडमिनिस्ट्रेशन, कहा जनाब हमें इन इन चीज़ों के, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम खुला क्यों ना रखें, हाँ हमें नुकसान भी हो जाए, हम सारे होटल वाले तैयार हैं इस वक्त वो खाने के लिए, मगर सनमर्ग को खुला रखने के लिए, मगर जो बेसिक मसले हैं वो गवर्नमेंट को करने ही करने पड़ेंगे और इसकी करने की ज़रूरत है। ऑनेस्टली बताते हैं कि अभी हम जरूरत ही नहीं करते हैं एडवांस बुकिंग लेने की, सबसे पहले बड़ी बात यह है, क्योंकि हम भी कहते हैं हम किसी को बुलाए वो यहाँ तक ना आए, जो अभी तक हमारी एक्सपीरियंस है उसको गगनगिरी से आगे जाने ही नहीं देते हैं। हमारे में इस साल हमने रेवेन्यू दे दिया जो 18% 12% हम टैक्स दे रहे हैं, जो करोड़ों में हमने दे दिया, जो इस साल से शुरू हो गया, जो हमने GST इस साल शायद कभी भी नहीं, आई थिंक कश्मीर इज द फर्स्ट प्लेस जो हाईएस्ट है GST में। ये बड़ा अफसोस है, खासकर इस टूरिज्म डिपार्टमेंट और इनके ये जो CEOs है, ये क्या इसको कहते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी, चाहे वो पहलगाम है, गुलमर्ग है, सनमर्ग है, उनको कोई आई एम सॉरी टू से उनको कोई विजन ही नहीं है। मुझे परसों ही शायद आप लोगों ने पूछा, मैंने कहा सारी दुनिया में हम देख रहे हैं डल के ऊपर, समंदरों के ऊपर कितने बड़े बड़े होटल्स होते हैं,
हमारे श्रीनगर के दल के साथ उनको मरम्मत नहीं करने देते हैं। सेम इज द सनमार्ग, व्हाट फॉर द सनमार्ग, एक होटल बनाया, यहाँ एक मुलाजिम के लिए एक हट तो होना चाहिए ना, जहाँ हमारे 20-30 लोग रहें, 50 लोग रहें, उनके लिए बाथरूम होना चाहिए ना। अब मैंने होटल बनाया है, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, नया फैशन आ रहा है, हमें बाथरूम ठीक करने हैं, रेनोवेशन कर दिए हैं, इसके लिए गवर्नमेंट मुझे बल्कि नोटिस निकालना चाहे, ये क्यों नहीं करते हैं? अपग्रेड करो, क्योंकि ये टूरिज्म हमें दुनिया को दिखाना है। यहाँ जी वो छड़ी लेकर बैठा है हमारे ऊपर, नहीं जी बाथरूम में टाइल मत लगाओ, क्या हो गया भाई, ये मेरी प्रॉपर्टी, जमीन मेरा, पैसे मेरे, होटल मेरा। इसके लिए आज आपने बड़ा अच्छा सवाल और मैंने भी जवाब दे दिया। देखिए सर, मैं बताऊंगा, पिछले साल जो गवर्नमेंट ने हमारे से वादे किए हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसमें से सिर्फ मुझे लगता है एक डिपार्टमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने थोड़ा हमारे साथ 80%, बाकी किसी डिपार्टमेंट नहीं रहा। जो मेन इशू है यहाँ, देखिए यहाँ होटल पुराने हैं, काफ़ी सारे पुराने होटल, उनमें फैसिलिटियाँ नहीं है, मतलब उनको सेंटर हीटेड होना चाहिए, उनका एक वाटर रिजर्व होना चाहिए जिसमें 20-25 हज़ार लीटर पानी अंडरग्राउंड रहे, वो उनके पास नहीं है। जब तक उनके पास रिटर्न सिस्टम नहीं होगा वो होटल नहीं चलेंगे, रही नई होटलों की फायर फायर दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ़ द फायर। देख आज आपको भी सलीम साहब, आप भी इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मैं भी इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, 30 साल से हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ एक फायर सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए, जो आज तक भी नहीं है। और जुलाई में मुझे कहा गया है सर ये अप्रूव हो गई है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, आज तक नहीं हुई। मान लीजिए हम होटल वाले यहाँ बैठे हैं, हमारा यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास यहाँ काफ़ी मुलाजिम है, हम क्यों चाहे कि हम इनको छुट्टी करें एक या दो या तीन महीने के लिए, फिर हम इनको बुलाए क्यों? हमने इसलिए, मैंने अभी डेस्क पर बताया कि अगर हमारे थोड़ा लॉस भी हो जाए, लेकिन इन हाउस जो करना है वो हम करेंगे, जो आउट हाउस करना है वो तो गवर्नमेंट को करना है। बिजली तो हम नहीं ला सकेंगे, पानी तो हम नहीं ला सकेंगे, बाकी हमारे होटल है, चलो गेस्ट को जो सर्विस दे हम कोशिश करेंगे। यहाँ जो गेस्ट आए इंशाल्लाह आज तक सोनमर का हमेशा अच्छा ही रहा, इससे भी अच्छा। और हम अब इस वादे पे गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि उन्होंने हमें बिल्कुल वादा दिया है कि 15 नवम्बर से टनल ट्यूब खुला रहेगा। अगर टनल ट्यूब 15 से खुला, आप सलीम साहब आप यहाँ के हैं, आप देखिए अभी 4-5 इंच पिछले दिन 2 दिन पहले बर्फ और गगनगिर के से किसी को अलाव यहाँ नहीं, मेरे गेस्ट भी यहाँ से वापस, ये 4-5 इंच बर्फ जब यहाँ 4-5 फुट पड़ेंगे फिर उधर उस वक्त क्या हो जाएगा। इसलिए आपको आपका और मैं आपको डिस्ट्रिक्ट की ये बात बताऊंगी, हमें इस डेस्टिनेशन के बगैर इस डिस्ट्रिक्ट को और कुछ है ही नहीं। यहाँ कोई फ्रूट इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई बड़े कारखाने जो है सो है, यही हमारा एक ही ये डेस्टिनेशन है, सारे लोग इसी पर डिपेंड है। इसलिए हम भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इसके तरफ थोड़ा आपको चीफ सेक्रेटरी से मिलना चाहते हैं इवन, मगर खैर गवर्नर साहब इज ऑलरेडी ऑन दिस, तो हम चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे डिविजनल कमिश्नर इमीडिएटली, आई थिंक विद इन 1 वीक, इसी वीक में। तो हमारी यही कोशिश है, उनको भी आपकी वसादत भी होगी तो हम भी उनके पास जाएंगे, तो इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आपने भी खुद भी देख लिया क्या क्या ज़रूरतें हैं, इधर ओपन माइंड बनना पड़ेगा टूरिज्म डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जो इतने बड़े तंगदिल बने हैं, वो बाथरूम क्यों बनाता है, ये अपने मुलाजिम के लिए कमरा एक क्यों बनाता है, ये रेस्टोरेंट, ये चीज़ें तो ज़रूरी है। वी आर इन अ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, वी आर इन अ सर्विस इंडस्ट्री, हमें कस्टमर को सारी चीज़ें देने हैं ना, एक तरफ से हम एडवर्टाइज करें सनमार्ग पहलगा, ये हर जगह की प्रॉब्लम है। हमारे ऑफिसर्स जब तक ओपन माइंड ना अपना वो निकाल दे दिमाग से, ये करे कि बल्कि उनको फख्र करना चाहे, वी आर प्रमोटिंग इट। देखिए मैं एक बात बताऊं, इससे पहले हमारी एक मीटिंग हो गई थी जिसमें मुशाक साहब भी थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी थे, डीसी साहब से मीटिंग हो गई और हमारे सीओ साहब भी बैठे थे, वार साहब भी थे हमारे साथ। तो डीसी साहब ने उनको उस टाइम एक डायरेक्शन दी थी कि आप जितने भी पुराने होटल हैं जिनको रिनोवेशन की जरूरत है, जिसको भी, चाहे नए वाले को भी या पुराने, जिसको भी रेनोवेशन की जरूरत है, खासकर उसमें फायर फाइटिंग, क्योंकि देखिए अगर फायर फाइटिंग नहीं होगी तो या मतलब हमारे सारे होटल लगभग भुड़ुम के बने हुए हैं। फायर फाइटिंग जैसे पहलगाम में 2-4 इंसिडेंट हुए, और फायर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज फॉर ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम्स के लिए,
और जो हमारे छत हैं, तीन तीन शीट्स जो लगे हुए हैं, वो सारे कटे हुए हैं, क्योंकि आप आपको पूरा पता होगा कि सर्दियों में हमें वो उसे उतारना पड़ता है, और जिन औजारों से हम वो उतारते हैं वो औजार इतने फास्ट होते हैं कि तीन कट जाते हैं, शीट्स पूरे कट जाते हैं। तो हमने एप्लीकेशंस दी है, 18 एप्लीकेशंस सीओ साहब के पास गई है, उन्होंने रिकमेंड की है डीसी साहब को कि हमें ये माइनर रेनोवेशन करने दे जब तक मेरे होटल में सेंट्रल हीटिंग नहीं होगी। देखिए कुछ होटल नए बने, उन्होंने फैसिलिटी रखी, लेकिन जो पुराने बने हैं मार्केट में हैं, यहाँ पर है ना, उनके पास सेंट्रल हीटिंग है ना, उनके पास गर्म पानी का कोई व्यवस्था है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है चलाना। अगर इस वक्त भी दो दिन तीन दिन में हमें वो ऑर्डर मिल जाता है, हम अपने एफर्ट्स लगा के, बेशक हमारी वो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो रेक्टिफाई करें। जैसे आप किसी भी आप मतलब अगर आप खुद भी चेक करें, इतने होटल इतने शेबी हो गए हैं कि कस्टमर अंदर जाने से उसका दिल ही नहीं करता है, क्योंकि हमें एक पेंट करने नहीं देते होटल में, पेंट करते हैं वो भी नहीं करने देते, फर्नीचर लगाने नहीं देते, कोई रेनोवेशन नहीं देते, बाथरूम ठीक करने वो नहीं करने देते, टोल पोस्ट पे चेकिंग होती है, अगर किसी के इसमें होगी एक टाइल का डब्बा भी होगा वो भी टोल पोस्ट पे उतारा करता है। इसलिए हमारी पूरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें ये माइनर रिपेयर्स करने दें, और फायर फाइटिंग और फायर अलार्म और सेंट्रल हीटिंग और तीन शीटिंग रूफटॉप वो करने दें, तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से डेस्टिनेशन को चलाने में कामयाब हो।